आज जरा भी देखसी ना वो आखे कि यार ए तो केरे डिजाइन बड़े कह दे आके ते डिजाइन बड़ा है क्यों मैं रे आके ते बिल्कुल नहीं ते आखा नहीं यार मैं ते आखा कि यार इमे नहीं मैं ये तनी आखे कि तू बिल्कुल था घिन के आवनवा ओके अस्सलाम वालेकुम सैम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी क्या हाल चाल है बिल्कुल एक्चुअली मुतसर खैर मेरे बालों पे कह रहा था और मैंने फिर आज दोनों ने कुछ कुछ कर ही लिया आज 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 हमने कोशिश की बल्कि कोशिश किया टोटली हट के करना है प्रोग्राम हां आज है मतलब है कि सर्दियां दे प्रोग्राम असा करेने पे है ना तो जरा डिफरेंट होना चाहिए है क्योंकि आज क्योंकि जरे तुसा आखे ना हां ये गलती तुम्हारी पैंदी है ये तुम्हारी आखे गलती तो नहीं मतलब है कि तुसा आके यार आज बिल्कुल असा अपने हेयर स्टाइल चेंज करके आवे ऐसा स्टाइल होवे जरा सा आज तक पहले न बढ़ाया होवे हाँ लेकिन वो हम कुछ बनाते बनाते कुछ ज्यादा ही बना गए खैर स्टाइल होने चाहिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके फिर आपको आइडिया होता है कि आप क्या अच्छा एक चीज है ना हाँ स्टाइल जैसे भी हो स्टाइल जैसे भी हो आप दिल से ना मुतमईन होने चाहिए कि हाँ यार मैंने ये स्टाइल किया अपने लिए किया किसी के लिए नहीं किया बिल्कुल कभी मैं वही बात कर रही हूँ मतलब अच्छा करने चाहिए एक चीज व्हाट अपने हेयर स्टाइल के बारे में क्या कहना चाहोगे खुद मुझे अच्छा लगता है मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मेरी इतने डेड स्ट्रेट बाल है और मैं बोर हो जाती हूँ तो फिर मेरा मन चाह रहा होता है कि ये वाले मैं बाल करूँ कर्ली हेयर कर्ल किया ना बालों कर्ल किया बिल्कुल हाँ। और तो जो बेचारे जिनके हेयर ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमारे डेड स्ट्रेट इंसान किसी हाल में खुश नहीं इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता और मैं ये कहना चाहूंगा और आपका अपने बारों सॉरी बालों के बारे में क्या ख्याल है बालों के बारे में क्या ख्याल है यार सैम बात ये है कि मुझे खुद अच्छा लग रहा है तो बस ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है कि यार आज हमने एक डिफरेंट हेयर स्टाइल में आज प्रोग्राम कर रहे हैं खैर ये आप लोग भी हमें बताओगे कि यार आज हम लोगों के हेयर स्टाइल्स जो है ना उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि हमें किस तरह के हेयर स्टाइल्स अपनाने चाहिए और करेंगे वही जो हमारे दिल करेगा नहीं सुनने भी चाहिए और वो कैसे सुनेंगे टेलीफोन नंबर है 0518094521 ये हमारा टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस कर सकते हो आज हमारा जो व्हाट्सएप मैसेजेस भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर सकते हैं लेकिन और प्रोग्राम में आपके मैसेजेस को शामिल कीता वैसी सिर्फ मैसेजेस कीजिएगा नो कॉल्स नो वीडियो कॉल्स क्योंकि कॉल्स के लिए आपको मैंने अलग से नंबर बता दिया है और व्हाट्सएप का हमारा नंबर चल भी रहा होगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ 0335488434 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है तो आप कोई भी प्यारी सी बात अगर कॉल नहीं मिल रही मैसेज कर दें हाँ जहाँ तक आज हेयर स्टाइल की हम बात करें तो आप कैसा हेयर स्टाइल आपको पसंद है सैम आज हमारे ये हेयर स्टाइल्स है ना इनका मकसद क्या है कि आपका दिल जो चाहता है आप वो करो ये मत सोचो कि ये बंदा क्या कहेगा ये बंदा क्या कहेगा ये बंदा क्या कहेगा क्योंकि हमने आते साथ एक दूसरे को यूं देखा ओके चलो आते साथ हमारे अनमोल भाई और मंजूर भाई राइट हाँ। सही नाम लिया ना तो उन्होंने भी हमें यूं देखा आज ना सारे बड़े हैरान परेशान थे यार ये क्या लेकिन हमने आज ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपका जो दिल चाहे आप जैसा करना चाहते हो लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो बगैर लोगों की परवाह किए बगैर लोगों ये इट डजंट मीन कि आप कोई भी ऐसा काम करें जो लोगों को ना पसंद हो तो आपने नहीं नहीं लोगों को पसंद नहीं है तो मैंने करना है कोई भी ऐसा काम जिससे लोगों को कोई मसला ना हो किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और आप करना चाहते हो ठीक हाँ, है तो डू इट हमारी तरफ से इजाजत है बालों के लिए लेकिन किसी को बालों के अलावा भी सहम अगर कोई भी बंदा कुछ करना चाहे देखो लाइफ में ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं कोई इनिशिएटिव लेना है कोई काम करना है तो हमेशा यही माइंड में आता है हमारे सोसाइटी का एक इशू है कि यार मैं अगर ये काम करूंगा ना तो इसमें सैम क्या कहेगी इसमें मंजूर क्या कहेगा इसमें मेरा फलां कजन के दोस्त के भाई का छोटा कजन जो कभी याद नहीं आता वो भी आपको याद आना शुरू हो जाता है तो लोग क्या कहेंगे मकसद ये लोग क्या कहेंगे लोगों का तो काम है कहना और आपका काम है सुनना यहाँ से सुनना और यहाँ से निकालना बट अच्छी बातों को सेव करना ये भी जरूरी है दोनों कामों को इक्वली नहीं देखना अच्छी जो बात है उसको सुने और जहां तक अच्छी बात है एक और अच्छी बात होगी आते साथ मैंने कहा मैं चाहना कि तू तुसा पहले पहले ना अपने सराइकी नाजरीन दे वास्ते
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹਸੋ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਮ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਦਿਸ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? अच्छा जिंदगी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह सारे जितने भी नाजरीन देख वाले माशाल्लाह समझदार हैं, लेकिन अच्छी गल जितनी दफा रिपीट थी उतनिया ही अच्छी आती हैं। तो जिंदगी कोई भी फैसला घिंदे हुए या कोई भी अच्छी गल है तो उससे अमल जरूर किया करो, लेकिन अच्छी गल बुरी गलों के कन ना सिकल च बह के आते पैन कन ला के अक्सर लोगों की आदत नहीं होती तो वह गल नहीं कर, लेकिन जो थारा दिल आता है जिम्मे सर ने एक्सपैरिमेंट किया जिंदगी करने चाहिए। Life is the name of experiments. बिल्कुल। अगर experiment कोई बुरा भी हो जाए तो इसका कोई मसला नहीं है, कोई परवाह नहीं। लेकिन वो मेरा ख्याल है सीखने का एक मरहला होता है ना, तो आज ऐसा भी कर गए तो सही सबको तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं हमारे इस आज के प्रोग्राम में। हम आपके पास दो ऑप्शंस हैं और बड़े जबरदस्त ऑप्शन हैं कि आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। और प्रोग्राम के कंटेंट के हवाले से जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे आज के प्रोग्राम के भी प्रोग्राम के अंदर आपको मौसीकी का तड़का भी मिलेगा और इसके अलावा मजे मजे की चीजें भी आपको देखने को सुनने को मिलेंगी। और सैम सेकंड जो हमारा होता है फर्स्ट जो हमारा होता है स्टाइल एंड स्टाइल 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 भी होगा, हमारा एक सेगमेंट है और एक मैसेज कॉल भी है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जी खैरियत है? बिल्कुल खैर खैरियत मेरे प्यारे भाई, अपना नाम बताएं और अपने इलाके का नाम बताओ। मैं मुदसर भाई मलिक इफ्तिखार बोल रहा हूँ। आवाज कम आ रही है, आवाज थोड़ी सी उठा दीजिएगा। उठा के रखूं आवाज को? ए तेरे हुन ठीक है लाला, हुन मैं को दसो के आखना चाहसो ते कीवे आज काल कीती तुसा से को? बस मैं के चलो चंगे लग रहे हो, दोए वाल चाल बनाए ने, मैं के चलो तोड़ने गल बात कर लो। अच्छा से वाला को देख के तुसा फोन कीता है? लाला घर बैठे हैं बस यही है। अच्छा लाला, अज असा गल करें दे पे हैं, जरा गौर नाल गल सुन सो। जी जी। ए तुसा लाइफ दे विच कोई काम करें दे वे, तुसा लाइफ दे विच कोई काम करें दे वे, ता तुआको कदे एहसास थी ना कि यार ए बंदा के आक्सी, ए बंदा के आक्सी, ए बंदा के आक्सी, उन दे बाद तुसा अपने आइडिया को उथे ही रोक लेंदे वे, कदे ही में थी है इत्तफाक? भाई जी मैं ते सीधी गल दसा ने, जो दिल करदा ने ना अपने दिल ने करो, किसी दी सुनने दी लोड़ ही कोई नहीं। अगर किसी दी मतलब किसी दी सुनो तो बात मसला थी ना? नहीं जी, आपे दिल जो करदा ने करो, किसे ने की सुननी। अच्छा तुस अपने इलाके दा ना नहीं दसा यार? लाला जी मैं मियां वाली तो हां। आए मियां वाली तू लाले दी जान, वसे मैडम मियां वाली। हां हां जी, लमियां मुछां ते जेब साडी खाली। आए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है लाला, तुम्हारी कॉल करने का बड़ा 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही सावा ने की वफा तो थोड़े नाल वला मुलाकात थी सी फोन दे उते, ते नाल नाल मैं ये आखना चाहसा कि मियां वाली दी मिट्टी बड़ी जरखेज है सैम। पूछ क्यों? क्यों मियां वाली दे विच बड़ा टैलेंट निकला है, पूरे जिन्होंने पूरी दुनिया दे विच अपना नाम मनवाया। जेंदे चूं लाला, लाला जेंदे चूं इमरान खान, इमरान खान जेंदे विचूं शफाउला रोकड़ी। बिल्कुल, बहुत सारे मियां वाली, इमे बहुत सारे ना हैं, बहुत सारे ना ते इत मेन मेन ही ना जे हमेशा याद रांदो, इलावा भी कितने सारे लोग हो। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े शायर इत इसी मिट्टी चो आए, जिवे सराय की बेल्टी चो में। ओ तो मियां वाली देता नहीं है ना? मियां वाली लेकिन लैंड तो इक ही वेंदी पई है ना, पाकिस्तान ता इको है ना। हां पाकिस्तान ता इको है ना, लेकिन पाकिस्तान दे इको ने चो मैं मियां, इको ने चो तू मियां। मैं ता पाकिस्तान दे विचो हां, पाकिस्तान ही चूहा ना, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹਰ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਬੈਸ ਛੇੜ ਵੈਸੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਨਾ ਸਹਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਈ ਸ਼ੇਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓ
अच्छा कितना नोट किया गया है मेरे, अब मैं आपको दिखा नहीं सकती नाजरीन आज। वैसे मेकअप कैसा हुआ है? खबरदीन को पूछो कि मेकअप कैसा हुआ, लेकिन वैसे लेकिन इसलिए पूछो कि कितना होर किया क्योंकि मेरे आई शेड पे। हाँ, आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, आज मैंने पर्पल आई शेड और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। अखियां खोल के बंदा प्रोग्राम करेंदा है ना, मतलब ये कि इनते डीठा अपने नाजरीन दे नाल गाल की थी, तुवाड़े नाल गाल की थी। मतलब है कि हर चीज को आंखें जब खुली है ना, तो मैं चाहता हूं एक्टिव होनी चाहिए। एक चेगला बंदा परेशान हो जाए यार, पता मेरा लाइन है टेढ़ा ना लगा। पहले की बात आगे निकल जाए, बातें हमारी निकल जाए आगे। स्टाइल स्टाइल में आज हम आपको वॉच दिखाएंगे, वेस्टर्न वॉच के स्टाइल वॉचेस पे दिखाएंगे। यस, और हम दिखाएंगे, आई थिंक पहले हम जाके सेगमेंट देखते हैं, फिर हम मज़ीद उस पे बात करते हैं। ओके, वाह 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 वाह, क्या स्टाइलिश स्टाइल। आज मैंने कहा स्टाइल टोटली डिफरेंट, और आज हम ना आपको दिखाएं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, जैसे हमने भी आपको दो बातें बताएं, गाल ते लास्ट मी टोकड़ा होता है पता नहीं क्यों। अच्छा चलो एक गाल लस देओ, नो इशू। हां एक गाल करो, सुथरी करो, नहीं तो चुपचाप बैठा रहे। चलो दू गाल नहीं करो, ये मैं तोड़ा दिल आके दू ते दू चा दू दू नहीं होता, दू दू होता है, दू ते दू चा, दू ते दू दू नहीं, दू ते दू चा नहीं, इन्हीं दू ते दू जैसा फंसे रहा। कह रहे भी आपने हमें आपको सेगमेंट दिखाया। अच्छा इसमें भी क्या होता है कि पार्टी वेयर्स की डिफरेंस होती हैं, आम कैजुअल पे जाने के लिए वैरायटी होती है कि हम ये समझ रहे थे बस घड़ियाँ जो थी वो एक एक जैसे घड़ी जो पहनी है, बट ऐसा नहीं होता। जब आप किसी गेट टुगेदर या शादी पे जा रहे हैं, किसी के इवेंट पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अलग से घड़ियाँ होती हैं, जैसे जिसपे अच्छा मैंने कहा ये क्या नहीं नहीं मैं क्योंकि ये कोई ना कोई इशारा के मतलब कुछ ना कुछ जरूर होता है। पता है मैं सेम क्या सोच रहा था ना, आपने बड़ी अच्छी घड़ियां दिखाई, वॉचेस दिखाई, सो कॉल्ड, ठीक है उर्दू में घड़ियां ही बोलते हैं। हाँ, घड़ियां बांह पे बनने वाली, बाजू पे बांधने वाली घड़ियां आपने देखी, लेकिन आजकल ना बड़ा ये कम देखने को मिलता है हमें, क्योंकि जब से हमारे पास मोबाइल्स आए तो हम लोगों ने घड़ियां पहनना ही लेकिन कम मुदस्सिर लेकिन जो अगर जो अच्छा जो पहनते हैं जो घड़ियां या जो वॉचेस पहन रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि वो शायद स्टाइल की वजह से बेचारे पहन रहे हैं, या बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम देखने के लिए वॉच पहनी हो। हाँ वो तो बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन जो नहीं रह सकते उनके पास बहुत ढेरों ढेर वैरायटी होती है। अच्छा लड़कियों के लिए क्या होता है, जैसे आप लॉन के कपड़े, आप जैसे गर्मियों में बात करो तो ढेर सारी आपको तो महंगी सस्ती हर एंगल में घड़ियाँ मिल जाती हैं। तो अभी जैसे हमने आपको दिखाया तो उसमें भी डिफरेंट, लेकिन उसमें सबसे अहम बात होती है कि आपकी कलाई में कैसी कौन सी घड़ी सूट करती है, ये बहुत अहम बात होती है। कुछ ऐसी होती है कि जो बड़ी डायल की पहन लेते सूट नहीं करे, मेरी जैसे कलाई में बड़ा डायल बहुत ही एक चीज मुझे पता है अजीब सा ही लगेगा। ये कलाई पे डिपेंड करता है या वॉच पे डिपेंड करता है या पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर कोई ब्रॉड जिनके वो कहते हैं ना कि जाहिर आप देखो आप अगर आपकी कलाई और एम्ब्रॉयडर है तो उस पर छोटा डायल तो बहुत ही बुरा लगेगा। कंधे जिन्ना दे चौड़े होने या जिन्ना दे अब जैसे आपकी ड्रेसिंग है आप इसमें कोई फैंसी घड़ी तो नहीं पहन सकते, लाइक सिल्वर गोल्ड या इस टाइप की। आप इसमें कैजुअल जितनी सिंपल कैजुअल एंड ब्लैक ब्लैक टोटली डायल वाली और सिंपल पहने ना, वो लेदर टाइप लेदर के पट्टे वाली हाँ एग्जैक्टली पट्टे वाले बोल लो तो वो बहुत कूल लगेगी। तो उसमें इस वजह से आपको मालूम होना चाहिए कैजुअल्स एंड ऑफिस गोइंग जो हैं उनको कैसी पहननी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा, बल्कि एक मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि नेक्स्ट प्रोग्राम में ना आज इस दफा हमने वॉचेस के ऊपर किया, नेक्स्ट शो में अगर हम रिंग्स के ऊपर करें सिर्फ, ठीक है, ताकि अब हमारे देखने वालों को भी ये चीजें आइडिया उनको भी हो सकता है कि अगर आप लोगों ने वॉचेस पहननी है तो आपकी ड्रेसिंग किस तरह होनी चाहिए, किस किस्म के कलर्स के साथ कौन से कलर की वॉचेस जाए उनको पहननी चाहिए। ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। अब जैसे मैं कैजुअल स्किप नीचे मैं गोल्डन चमकीली भड़कीली ही पहनूंगी तो बहुत बुरी लगेगी। ओके, तो इसी तरह हमारी जो घड़ी होती है कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ आज कौन है लाइन पे, अपना नाम बताइएगा और अपने इलाके का नाम जरूर दसे। सो मैं जरताशा बात कर रही हूँ, सियालकोट से। जरताशा, जरताशा बहुत प्यारा नाम है। जरताशा कैसी हैं आप? मैं ठीक शुक्र अल्लाह का। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैंने कहा चलो बालों के साथ कुछ किया जाए तो मतलब वो बहुत अच्छा हो गया। ये आपको बहुत सूट कर रहा है, आज आप अपनी नजर उतार लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।
थैंक यू। आज नजमा आपा ने तो कमाल ही कर दिया वैसे। बस नजमा आपा ने कहा कि चलो आज ये, तो मैंने कहा चलो ओके। सैम सच सच दसना, सच्ची सच्ची दसो। जरताशा एक मिनट, आज ये जो हेयर स्टाइलिंग है ना, आज नजमा आपा ने नहीं की। नहीं सच है, वही बात कर रही हूँ। ये हाँ मैंने खुद किया है सारा लुक। अच्छा, और ये भी बताएं कि ये कल का किया हुआ है। नहीं नहीं कल का तो नहीं हो सकता। सीरियसली मैं यार नहीं बोल रहा, ये कल का हंसने की आवाज आई है। अच्छा मैं आपको सच्ची बात सुनूं, ये जो हेयर स्टाइल पहले था ये हमारे एक और मेकअप आर्टिस्ट है, लाइक कल की बात है, निक नेम उनका मोनू भाई है। कर्ल से टाइट कर्ल से फिर उनको मैंने आज ये फिंगर्स इनको लूज कर लिया, लूज कर्ल्स ना तो काफी। अच्छा, मेकअप भी मैंने खुद किया, आई डोंट नो आई कैसा हुआ। अच्छा जरताशा एक बात बताइएगा, सारी चीजें मिक्स हो। जरताशा जी, अच्छा मैंने एक गल दसो, तुसी पंजाबी आंदी है तुहानू? पंजाबी नहीं आती हमारी, जरा फिर वो गुलाबी उर्दू हो जाती है, लेकिन मुझे आप लोगों का एक्सेंट बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सराइकी में थोड़ा बोलते हैं। आप बेसिकली कहाँ से, आपकी मदर टंग क्या है, आपकी मादरी जबान कौन सी है? यहाँ पे हम उर्दू ही बोलते हैं सियालकोट में। अच्छा, इसके अलावा हमारे प्रोग्राम में आपको क्या चीज यूनिक लगती है, सच सच बताना, अच्छी या बुरी, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो चीज आपको बुरी लगती है, दोनों आपने बतानी है। आपकी, आप दोनों की गपशप अच्छी लगती है, आप जो सॉन्ग सुनाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। और बुरा तो कुछ नहीं लगता मुझे, K2 टीवी तो बहुत पसंद है। आप यकीन करें अगर हमारे यहाँ एक दिन भी नहीं आता ना ये चैनल एरिया में जैसे, तो हम लोग कॉल करते हैं अपने केबल ऑपरेटर को कि मतलब वो लाएं, हमारा एक दिन में मुश्किल हो जाता। ओके वाह वाह। अच्छा आपका सबसे K2 की दुनिया हम देखते हैं, अदाबर काफी प्रोग्राम हमें बस पता चला कि ये प्योर पाकिस्तानी चैनल को देखते हुए इनको बड़ा अच्छा लगता है और अपने कल्चर से कितनी जुड़ी हुई हैं, कितनी मोहब्बत करती हैं। थैंक यू सो मच जरताशा, आपकी कॉल का बहुत बहुत बड़ा 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 शुक्रिया। ठीक है, और बड़ा अच्छा लगा कि हमारे जितने भी K2 चैनल्स के प्रोग्राम्स हैं आप उनको पसंद करते हो। बल्कि सैम ये बड़ी अच्छी एक मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी हैं कि अब क्योंकि K2 के अंदर, K2 चैनल के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम में पाकिस्तानियत झलक रही होती है, ऐसा ही है, अपने कल्चर की चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो एक फ्रेग्रेंस फील होती है, वो अगर हमारे नाजरीन को ना मिले तो फिर वो परेशान होते हैं। केबल नेटवर्क वाले को आप देखें कि एक दिन भी समटम हो जाता है, केबल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, बट वो कॉल करना शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं आ रहा चैनल तो आप करें, तो यहीं से फील हो जैसे वो नाम उठा रही हैं, K2 की दुनिया में आ रहा है, कितना खूबसूरत एक शो है, फिर अदाबर्स हैं, सोशल जंक्शन है, बहुत सारे ढेर लगा। पर और सबसे अच्छी बात ये कि जितने नाजरीन, जितना हमारे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ रहते हैं, पाकिस्तान के जितने लोग बाहर रहते हैं, तो उनके मकसद के सारे शोज़ आपको सिर्फ K2 टेलीविजन में ही मिलते हैं, अदरवाइज आप एक ही रूटीन के शोज़ देख रहे हो, तो बट इसमें आपको अपनी मनपसंद एंकर्स और मनपसंद शोज़ और मनपसंद लैंग्वेज मिल जाती हैं, तो सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा सैम, एक चीज़ और आ रही है मेरे माइंड में, क्या कि जहाँ पे हम बात करते हैं फैशन और नई नई चीज़ों की, वहाँ पे हमें अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे लेजेंड्स खास तौर पे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो हैं, उनको याद कर लेना मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा होता है ना, बहुत ज़रूरी, ताकि हमारे देखने वाले जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, हमारे जो भी नाजरीन हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो नई नस्ल है, उन लोगों को दसना बिल्कुल ज़रूरी है कि सारे आर्टिस्ट जड़े हैं वो कौन कौन हैं, कितों कितों को उन्होंने ताल्लुक है, तो क्या क्या उन्होंने परफॉर्म किया। तो अज का जरा असा लेजेंड को याद करना है, अगर इजाजत हो तो सर नाजरीन को दसते हो? जरूरी है भाई, जरूरी है मेरी इजाजत। तो सारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम फोक म्यूजिक में, सूफी म्यूजिक में, पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और नाम है जनाब आबदा परवीन, और इनका ताल्लुक भी सूबा सिंध से और लाड़काना में ये पैदा हुई, और इन्होंने सूफी म्यूज़िक में बहुत महारत इनको हासिल हुई, इनको अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम दिया, गज़ल गायकी में, ठुमरी में, कवाली में, सूफियाना कलाम तो माशाल्लाह बहुत कमाल का ये पढ़ती हैं। और इसके अलावा सैम पता है आपको जी? कि ये उर्दू, फारसी, सिंधी, सराइकी, पंजाबी और अरबी ज़बानों में भी
गायकी कर चुकी हैं। ओह माय गॉड। और ये बहुत बड़ा इनको एजाज हासिल है कि इतनी जबानों में ये गानों को या म्यूजिक को परफॉर्म करना कि कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान का ही टैलेंट है जो जिसको इतनी इतना मकाम हासिल हुआ। और इनके अपने फ़न की वजह से, इनकी अपनी इन सलाहियतों की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान ने, बल्कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने इनको तमगाए हुस्ने कारकर्दगी भी दिया सन 1984 में। फिर इनको सितारा इम्तियाज मिला 2005 में, और उसके बाद 2012 में इनको हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया। इतना बड़ा एक हमारे मुल्क का, मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट, और हमें इस फख्र होना चाहिए। हमें एटलीस्ट हमारे नौजवानों को ये पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में लेजेंड्स, उनका उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी स्ट्रगल क्या है। तो इस प्रोग्राम के तवसत से मैं चाहता था कि थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊँ। इस जगह पर मेरा ख्याल है सैम एक छोटी सी ब्रेक तो बढ़ती है ना, छोटी सी ब्रेक पे ब्रेक आज ठीक है, आज मैं ले सकती हूँ, बाद में मैं नहीं ले सकती, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना जाना मिलता है छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, वापस आ गए छोटी सी ब्रेक पे। और एक और बड़ी मज़े की बात है, पता है क्या वो मज़े की बात ये है कि मदरसे को मैंने कहा थोड़ी देर झेले जाओ यार, अपने काम कर लिए करो, आज मैं बड़ी खुश हूँ, थोड़ी देर के फिर वापस आ जाएगा। आप सोच रहे हो आगे भी कुछ भी हो सकता है काम। अच्छा जैसे अभी हमने आपको अभी ट्रिब्यूट दिया था जी, हमने आपका परवीन को उनके बारे में हमने आपको बताया, उनकी हिस्ट्री हमने आपको बताई, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जितनी नौजवान नस्ल है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ हिप हॉप के चक्रों में रहते हैं, बस वही गाने सुनने हैं, भंगड़ा और ये चीज़ें, हमें ये वाली जो हमारी एक हिस्ट्री जो शुरू से चली आ रही है, जिनकी बेस पे हम आगे चल रहे हैं, वो हमारी बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी, शुक्र हम एक बेस हमारी इतनी ख़ास है। तो इसी तरह हमने आपका परवीन के हमने आपको हिस्ट्री बताई, उनके गाने और जिस तरह उनका एक स्टाइल है, टोटली मुनफरिद उनका स्टाइल है, जिस तरह वो कलाम में खो जाती हैं, जिस तरह वो कलाम को पढ़ रही होती हैं, कोई भी आप उनके डिफरेंट सॉन्ग्स उठा लें, कलाम उठा लें, कोई कवाली उठा लें, तो उनका एक अपना ही स्टाइल है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो उसमें बिल्कुल खुद को एक फील इतना करा देते जो सामने वाली ऑडियंस बैठी तो वो भी वैसे झूमना शुरू हो जाती है। तो मेन आई थिंक सिंगर वो होते हैं कि जो सामने वाली ऑडियंस को चुप बैठी है तो वो भी सेम टू सेम वैसा फील कराना शुरू कर दे, तो उनकी क्या ही बात है। और मेरी एक विश है कि मैं उनको लाइव सुनूं जो मैंने अभी तक नहीं सुना। इसी तरह आपको पता मैंने अभी आपको हमने सुनाया, सॉरी दिखाया स्टाइल शिस्टाइल, इतना ओखा हमने नाम क्यों रखा है, क्योंकि स्टाइल आप सोचते होंगे पता नहीं क्यों सबको लगता है कि फैशन भी हमेशा ओखे ना हो सके, ओखा मीन्स मतलब मुश्किल, अगर उनमें कोई ना हो सके तो वो एक नवा स्टाइल निकल सी, नवी कोई चीज़ निकल सी। खैर स्टाइल दें यही होता है, क्योंकि स्टाइल नहीं जी मैं आता ना फैशन ही ख्वाहिश है, तो मैं को लगता है हर इंसान का राइट बढ़ता है कि फैशन करना चाहते हैं, उनका की में राइट। जहाँ तक फैशन की बात हो, मैं जी कॉल है जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद फारूक कैतरान तोहफा शरीफ। मोहम्मद फारूक कैसे हैं आप? जी जनाब बिल्कुल खैर खैरियत है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं प्रोग्राम बड़े शौक से सुन रहा हूँ, आज हमें कोई फ्रेकी सा गाना सुना दें। सिर्फ सुन रहे हैं और देख नहीं रहे? देख रहे हैं प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहे हैं जी जी, क्या कहा आपने? कोई फ्रेकी अच्छा सा गाना सुना दें, लाला अताउल्लाह खान का। आपकी जो फरमाइश है हम जरूर पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। फरमाइश पूरी की करो तो सा डेरा इस्माइल खान दे ही वे। जी मैं डेरा इस्माइल खान दे नजदीक का मोहम्मद नजदीक थी मैंने। ओए होए 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 जबरदस्त गा लाला, तुम्हारी फरमाइश असा लिख के दिए अपने सिर अखियां दे उते। ठीक है अच्छा तेरा सुमेल खान आ मेरा आने से चक्कर लावर वास्ते बस चक्कर आवण मजना चक्कर चक्कर लावना चाहिए लाला जी। हां थोड़ा शेर बिठा हो सादा बस मैं आदा खुश रहो आबाद रहो वसदे रहो दुआइयां इच सा को याद जरूर कीता करो। हाँ। ते नाल नाल असा तो आज प्रोग्राम दे विच गाने रखे होए असा गाने जरूर तुम्हारे वास्ते प्ले करेसो, लेकिन अच्छे अच्छे गाने होसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम दे विच लाले उन दा गाना भी असर रखेसो। ठीक है ठीक खुश रहो वजदे रहो आबाद रहो। गाल करने अच्छा सेम। हाँ। जिता गावना दी गाल आंदी पई
मौसीकी अगर जिंदगी के बीच भी ना हो ना तो जिंदगी बुटी बुटी लगती है। हाँ। मतलब एक जिंदगी में ना वो एक उदास उदास और खुश्क खुश्क लगती है। हाँ। बुट्टी बुट्टी क्या होती है, मतलब एक अधूरी अधूरी लगती हाँ, है। हाँ, अधूरी अधूरी। अच्छा, ये सराइकी का एक वर्ड है। मैं चाहूंगा कि सैम हम अपने प्रोग्राम में ना हर दफा एक सराइकी का वर्ड भी अपने नाज़रीन को सिखाएं। के ख्याल है? और हम ये चाहेंगे कि आप जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं आप भी हमें सिखाएं। Yes. तो आप हमें सिखाएं और हम आपको सिखाते। अच्छा। कि सराइकी में ये अल्फाज हैं। सैम वक्त जड़ा है ना बड़ा तेजी ना लंगदा पी है, पता ही ना। हाँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि तेज गुजरने वाला जो वक्त है ना उसको हम उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना क्या, चाहिए? क्या, हमें सेगमेंट करने चाहिए? इस वक्त जो हमारा डेढ़ घंटे का जो टाइम है इसमें हमारे जितने सेगमेंट्स हैं हमने उनको ऐड करना चाहिए और दिखाना चाहिए। हाँ, अब जो सेगमेंट है उसका क्या नाम है, क्या गाना चाहिए? हाय गलत। सही। अच्छा। जनाब अब जो टाइम अच्छा। है ना एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया और मजे की बात यह कि वो भी सैम ने इंट्रोड्यूस किया है। सैम की क्रिएटिविटी है कि इसको ना एक सेगमेंट होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए हाँ गाना होना चाहिए। गाना हो जाए सेगमेंट का नाम है और इस सेगमेंट का नाम भी सैम ने डिजाइन किया और सैम को खुद भूल गया है। मैं किंते वन्या किंते वन्या किंते वन्या पता होता है कि मेरा जो दिमाग है उन चीजें नहीं पहुंचे वरना बादाम घिन नहीं आता है। हमेशा आता है सैम तू बादाम खा तू फाइनली तू बादाम घिन नहीं आ मेरे। देखो ऐसा मशवरा दे सकते हैं एक डॉक्टर होता है ना वो कहीं मेडिसिन खरीद के नहीं देता। हाय नहीं कहीं इशू दे दे भी दे ना जपान ऑन डिस्पेंसरी या दे यार उनको अवेलेबल हो तो जरूर दे देने। ठीक है, या वो जड़े सैंपल्स आए उन्हें वो शेयर कर देने के यार बादाम केड़ा सैंपल है सैंपल नहीं है ये देखो इस वजह ना तो आपको आप खरीदना पोसी ता असर करे सी अगर मैं कर दे देवा तो उनका असर नहीं सी। मशवरा दे सकदा ना घिन के दे नहीं सकदा ना। अच्छा हां एक बड़ा जबरदस्त आजकल एक गावण एक गाना आजकल सराइकी में बड़ा फेमस हुआ है और मैं चाहूंगा कि उसके दो लाइंस मैं अपने प्रोग्राम में शेयर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप लोगों की नजर करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक शायर जाग उठेगा। शायर नहीं फिलहाल असा एक गाना आकसू गासू ता सिंगिंग करेसू। अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं वैसे सराइकी में गाना बोलते हैं ना आप और अगर मेरी सराइकी में आ जाए तो असा गाना नहीं बोलते गाना बोलते। अच्छा थोड़ी मुल्तान की सराइकी में गाना कहते हैं डीआई खान की सराइकी में गाना गावण कहते हैं। चेंज हो जाते हैं यार बंदा। असा तुम्हारे वास्ते उर्दू में रखते हैं कि गाना आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं। देखते हैं अल्लाह करे कि आपको पसंद आए। कोई गलती गुस्ताखी हो जावे तो माफ करे सो क्या याद किया माफ क्या याद किया जाओ माफ किया। शान ढोला ओ मेरी जान ढोला ओ बेदेहान ढोला हाय ओ मेरी जान ओ मेरी शान ढोला ओ मेरी जान ढोला ओ बेदेहान ढोला हाय ओ मेरा हाम दसा मैं किंते वन्या दिसे तू जिंते वन्या तू गम ना ढोले में इवे ना रोले में हाय ओ मेरा हाम मैं ते तू दूर हिमी हाय ओ मजबूर हिमी हाय ओ मैं मजबूर हिमी हाय ओ मेरा हाम तू मेरी शान ढोला है ओ मेरी शान ढोला है ओ बेदेहान ढोला है ओ मेरी जान। ब्यूटीफुल सीरियसली ब्यूटीफुल। अच्छा छा गयो का था हम सीरियसली छा गयो अब फाइनली अब सॉरी इसका मतलब भी बता दो। मम्मी ने कहले हां इसका मतलब भी बता। अच्छा इस गाने को ना थोड़े से इसके वर्डिंग्स जो है ना मुझसे फिल बदी चेंज हो गए हैं ना। अच्छा वो कैसे चेंज किए? चेंज इस वजह से हो गए हैं ना क्योंकि इसमें एक दो लाइंस हैं जो मुझसे मिस हो गई तो वो आप माफ कीजिएगा। मुझे कोशिश करूंगा कि अगले प्रोग्राम में अगर दोबारा इसको गाया जाए अगर तुम्हारी इजाजत हो सी तो वह जरूर ऐसा वो लाइन भी ऐड करें। तो सर सोचना सोचने वाला का काम बहुत मुश्किल होता है। आपकी इजाजत हो तो जाहिर मुझे सोचना पड़ेगा ना मैं दूं या ना दूं।
इसमें ये है कि अपने महबूब के साथ मोहब्बत के हवाले से बात की हुई है कि मेरी शान ढोला, कि मेरे मेरी जान भी हो, मेरी शान भी हो, सब कुछ मेरे तुम हो, और हाय ओ मेडा, हाँ मेडा मतलब मेरा दिल, हाय ओ मेडा, हाँ मेरा सराय की चादर, हाँ एक होते हैं हाँ, ये वो वाला हाँ नहीं है, ये हाँ होता है दिल, सराय की में बोलते हैं। अच्छा हाँ, हार्ट अटैक थी गया ना क्योंकि वो दाग दिन हार्ट अटैक, हार्ट अटैक थी गया, मतलब कि दिल का अटैक हो गया, दिल का अटैक, वो सराय की में थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, और बाकी इसमें है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार इसका क्या मतलब है, दसा मैं किंते वन्या किंते वन्या किंते वन्या दिसे तू जिंते वन्या जिंते वन्या जिंते वन्या, मतलब ये है कि बताओ मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, फिर कहते हैं किंते वन्या, वन्या मतलब होता है जाना, उसके बाद फिर कहते हैं कि बताओ नजर दिसे तो जिनते मन्या, जहां देखता हूं तुम नजर आती हो, अब मैं बताओ मैं किथे मन्या, किथे मन्या, ब्रेक ते मन्या, आओ जरा वाह 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 सैम, एक दफा दोबारा हम अपने नाज़रीन को करते हैं वेलकम बैक, वेलकम बैक करते हैं, और कहते हैं कि सौ बिस्मिल्लाह सराइकी में कहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह मतलब ये है कि वेलकम, सराइकी में अगर किसी को वेलकम करना है, या अगर बल्कि मैं चाह रहा हूँ ना सैम, हम पहले भी बात कर रहे थे कि अपने प्रोग्राम में के जरिए हम अपने नाज़रीन को थोड़ी थोड़ी अपनी सराइकी की चीज़ें भी बताते जाएं। बिल्कुल, मदद से आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें छोटी छोटी सारी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ओके, और वो जो सो बिस्मिल्लाह वाला लफ्ज है, सो बिस्मिल्लाह करा, सराय की चादर ना सो बिस्मिल्लाह करा, तो ऐसे ही लाइक उर्दू में बोलते हैं कि वेलकम खुशामदीद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही खुशामदीद। अच्छा, तो ये चीज़ें ना सराइकी में, फिर इसी तरह ये जो वेलकम का वर्ड है, ये अगर हम एक अगर घिन वन असा हजारा वाले पासे तो उठा के आगे उसने हजारा में मुझे जितने तक मैं को लगता मुदसर के सराइकी जी ने हजारा दी ते सारी मिलदी जुलदी हैं, आई थिंक उठा भी यही याद है उसने, आई थिंक उठा आग देन जी करा, जी करा, जी करा, नहीं ये आई थिंक जी करा जरा पोटोहार के बीच, पोटोहार का है हजारा की, मुझे यही लग रहा है, यस याद आया, क्या हर कदे आयो, हर हर कदे आओ, हाँ एक हर कदे आओ, हाँ हर कदे, ऐसे वर्ड्स इन ये सारे लोगों को पता होने चाहिए कि अगर वो क्या पाकिस्तान दे किसी भी शहर दे विच मूव करे ने, किसी भी शहर दे विच ट्रैवल करे ने, सैर सियाहत करे ने, इलाके को देखना चाहते हैं, तो उत्थान वांच के उन्हें दी अल्फाज ले रहे हैं, ये बड़े प्यारे वर्ड्स इन, बिल्कुल अगर तो सा बहुत अहम वर्ड है, बहुत खास है और हमें मालूम होना चाहिए, और इन वर्ड्स का इस्तेमाल भी अगर हो उन्हीं इलाकों में तो मुड़ के चस आ जाती है, बिल्कुल मुड़ कर चस आ जाती है, बिल्कुल ब्यूटीफुल, हाँ अच्छा सो हाँ मुदस्सर, जहाँ पे हम बात कर रहे थे म्यूजिक की, असा गावन भी सुनवा गिदा, असा प्रोग्राम दे विच भी आ क्या क्या दिखाया अपने नाजरीन को, अच्छा जैसे अभी आपने कहा कि हमने एक खूबसूरत से, सबसे पहले हम गए थे स्टाइलिश स्टाइल, जो हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम आपको फैशन से रिलेटेड सारी हम आपको अपडेट कर रहे होते हैं, जिसमें फैशन में पहले हम 2020 में थे, फिर 2021 में कौन से फैशन हैं तो उसके बारे में हम आपको इन्फो देते हैं, देन हमने जी मुदस्सर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू चलाया मुदस्सर, और जिन्होंने आपको दो तीन पड़ गई, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, और वो खूबसूरत जो आपने दो तीन लाइंस सो ब्यूटीफुल जैसे आपने उसके साथ इंसाफ किया, आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं मदद से जो मौसीकी को समझते हैं और उसको और अच्छा सुनना, आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं, सो अच्छा आप अच्छा सुनाते हैं और अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए, तो लाइक हमारी ये सेगमेंट्स हैं, अच्छी गाले, सोनी गाले, बड़ा हाँ। अरसे दे बाद को सोने सोने गलियां गाला, हां बिल्कुल बातें सुनने को मिल रही हैं, ओह थैंक यू सो मच, अच्छा सैम एक सेगमेंट और भी हमारा अपने प्रोग्राम में हम जरूर ऐड करते हैं, ओके यस, और वो सेगमेंट का नाम क्या है, सेगमेंट यस लाइक यस नहीं
यानी कि जरा शायराना। ओह जरा शायराना। अच्छा ये मेरा जो सेगमेंट है जरा शायराना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुदस्सिर आप उसमें जिस तरह वो अशार आई थिंक हर कोई अच्छे तरीके से नहीं बयान कर सकता, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान कर रहे होते हैं। अच्छा कोशिश होती है सैम कि जरा शायराना मिजाज में आ जाए, ठीक है, और उसी कोशिश करते हैं एक आज के लिए कि अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब एक बैकग्राउंड में म्यूजिक अच्छा सा प्ले हो जाए ना तो मूड के वक्त मजा आवे सी। बिल्कुल ठीक है। okay. आज मेरे एक अहमद फराज की बहुत प्यारी नज़्म, एक और अहमद फराज की तो बड़ी प्यारी गजल, और वो मैं ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। कुछ यूं है कि जिस सिम्त भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, जिस सिम्त भी देखूं नजर आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो, ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है, ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो, इस दीद की सआदत में कई रंग हैं लर्जां, इस दीद की सआदत में कई रंग हैं लर्जां, मैं हूं कि कोई और है दुनिया है, मैं हूं कि कोई और है दुनिया है कि तुम हो, ऐ जाने फराज इतनी भी तौफीक कैसे थी, ऐ जाने फराज इतनी भी तौफीक कैसे थी, हमको गमे बस्ती भी गवारा है कि तुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सैम अब देखो डेरावल प्रोग्राम में हमें अपने नाज़रीन के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जगह 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 से चीज़ें उठा के ना अपने नाज़रीन को एक गुलदस्ते की शक्ल में पेश किया जाए। बिल्कुल। और जिस तरह हमारे जिसमें सेगमेंट्स होते हैं आई थिंक बहुत कम ऐसे मुदस्सिर शोज़ होते हैं जिसमें हमारे जितने नाज़रीन देख रहे हैं हमारा शो और उनके मनपसंद सेगमेंट्स आपको एक ही शो में मिलते हैं, और जिस तरह मुदस्सिर आपने खूबसूरत अशार बयान किए और अहमद फराज की तो क्या ही बात है। कभी कभी मुझे टाइम मिल रहा होता है तो मैं ज़रूर पढ़ रही होती हूँ, और अभी जैसे आपने पढ़ा एक मैसेज था उसमें, सो ब्यूटीफुल, मुझे तो मुझे हमेशा ही सुनकर अच्छा लगता है। मतलब सैम बात यह है कि जब भी कोई शायर है, जब भी कोई लिखारी है, जब भी कोई लिखने वाला है, जब भी कोई शायर है या मुसन्निफ है, उनकी एक्सप्रेशंस, उनकी फीलिंग्स जब वो लिखी हुई अंडरस्टैंड करने की बात है कि वो जब लिखते हैं और जब कोई ऐसे बड़ी शख्सियात अगर कुछ उनकी कलम से निकले हुए अल्फाज जब सुनने को मिलते हैं या पढ़ने को मिलते हैं तो बहुत एक मजा आता है, क्योंकि उनमें एक मैच्योरिटी भी नजर आती है। मुदस्सिर आई थिंक जो अल्फाजों के साथ खेलना और उस एक एक अल्फाज में फील बयान करना वो बहुत मुश्किल है, और अहमद फराज की जिस तरह अभी आपने अशार पढ़े हैं तो एक एक वर्ड में अगर गौर किया जाए तो एक एक अल्फाज में बहुत कुछ है, और वो अपना फील आई थिंक ये आमद कम कोई ख़ास कुछ मुझे लगता है लम्हे होते हैं या कहीं आप बैठें तो आमद आना शुरू हो जाती है, तो ये अल्फाजों से बयान करना और उनको इस तरह अच्छा, सैम मैं अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहीं भी कुछ लोग होने ना कि ओ आग दिन जो यार आमद दा एक टाइम होता है ना, मैं याद है कि आमद दा कोई मखसूस टाइम नहीं होता, जब जब मूड हो तो ये नहीं मूड की बात ही नहीं, ये बाज़ औक़ात आप कोई चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी कि मैं गलत हूँ लेकिन मे बी कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि जब भी आप अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार मैंने कुछ लिखना है और वो आमद का टाइम नहीं है तो मैं तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं लिख सकता, ना ही कोई और चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम हो ही नहीं रहा। वो आमद के अलावा आई थिंक मुदस्सिर आप किस चीज़ को कितना फील कर रहे हैं, एग्जैक्टली आप जिस चीज़ को जितना फील कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके आई थिंक कोई किसी कोई पर्सन है या आपके जो बहुत क्लोज आपके रिलेशन हैं या आप किसी ऐसी प्लेस पे चले गए जो बहुत ज़्यादा नेचर के करीब होते हैं,
जब उनकी कोई मनपसंद कोई ऐसी जगह आ जाती है तो वो फिर वो मुझे लगता है इनकी आमद और फीलिंग्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो आई थिंक ये जो बिल्कुल ठीक है, बस ये बात मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मजे से गाने पे आते हैं और लाला साडे सारे देखने वाले नाज़रीन ने वादा सुन यार आज गाने घाटिन थे बाकी काम ज्यादा है, हर चीज़ हौसन हर चीज आप इंजॉय करेंगे। बात करने का वो बात मैं अपनी कंप्लीट कर देता हूँ कि आमद का जो मैं अपना समझता हूँ कि मुझे बाज़ औक़ात कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो उस टाइम समझ नहीं आ रही होती कि यार अब क्या सोचूं क्या होगा। हाँ, ये ऐसा और होता है। उसके बाद बाज़ औक़ात ये होता है, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ और मोस्टली मैं ट्रैवल अकेला ही कर रहा होता हूँ, ठीक है, बस मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग अकेले ही करता हूँ, ठीक है, ये वाली जो बात है वो मैं आपसे जरूर पूछूंगी, अकेले ही क्यों? यार बंदा हर जाते होते बाजू का फ्रेंड्स साथ नहीं होते ना, तो इस वजह से अकेला ट्रैवल करना पड़ता है। अच्छा, ये बात फंस गई हूं। नहीं नहीं, अकेले ट्रैवल करने से फिर आप बहुत सारी चीजें सोच लेते हो, रास्ते बहुत सारी आपकी आमद जो है ना वहाँ पे हो रही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नई नई चीजें आपके माइंड में आना शुरू हो जाती है और मैं कोशिश करता हूँ कि वो लिख लेता हूँ क्योंकि बाद में फिर वो चीजें याद नहीं आती ना। और मेरे ख्याल में पहले 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 गाने पे चलते हैं, एक जबरदस्त सा गाना है और गाना है जी शफाउला रोकड़ी दी आवाज़ इच। बिल्कुल, माय फेवरेट। व्हाट अ फेवरेट, वाह वाह वाह। और जरा आओ, माड़ा है ते माड़ा से यार जो है, माड़ा है माड़े से यार तो है, आओ ना जरा देखें सुनते हैं मजा आसी उनके बाद वलदे हैं मजीद भी हूं गाना दा सिलसिला जो रहे ना शुरू थी चुका है। माड़ा है ते माड़ा से यार जो है, कुछ भी होवे सादा प्यार जो है, क्यों सोने दा क्यों ढोले दा गिला करा मैं ता लखवारी, बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा।
बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिल्कुल अके चंगे होवन यार ते हर कोई सड़दा है तायो सारा शहर में दे तू सड़दा है शहर 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 सिटी शहर बिल्कुल सराय के ठोस सराय की चवनो तो अच्छा, शहर नौ से शहर शहर अच्छा सेम ई गाने दे वाले ने गल करूं बिल्कुल तोरे क्या ख्याल है कि ई गाना कहंदा है के मतलब गाना किस सिंगर ने गाया है इन द जे रियल सिंगर हां लेकिन गाना सिंगर लेकिन गाया तो ना है ना मशहूर तो ना दसिया ना तो इतनी खिचड़ी क्यों पकेंदा पे? मैं तो पता होना चाहिए ना ये तो मैं सब सिंपल मुद्दे थे हां बंदा मैं ये गाल सब मतलब एक शो शुरू किया ना हाँ। तो मैं आदा यार सको बेसिक चीजें तो पता होना चाहिए अच्छा ठीक है हुन इंदे उते रिसर्च करे सु के ओरिजिनली ए गाना कहंदा है बस वो तेरे को है ना फोन में देता अच्छा मेरे को ले सैम को ले मोबाइल ले लेकिन सैम सिम शो करे नहीं पे मैं अच्छा सैम बस वो करता लोगों के पास जब मोबाइल होते हैं ना तो मोबाइल का मकसद क्या होता है मोबाइल का हरगिज ये मकसद नहीं होता कि इससे हमने कॉल अटेंड करनी है हरगिज इसका मतलब नहीं है कि इससे हमने मैसेजिंग करनी है बल्कि मोबाइल का अक्सर जो आजकल इसका इस्तेमाल है वो जस्ट उसका ये है और मैं आपको मजे की और सच्ची बात बताती हूँ आफ्टर शो कहा जाता है जी लड़कियों को बहुत ज़्यादा क्रेज होता है ढेर सारी सेल्फीज बनाने का और यहाँ पे टोटली उलट है कि मैं शो करके आई थिंक एक या दो पिक्चर्स बना लेती हूँ क्योंकि मैं अपने पेज पे लेकिन यहाँ तो मुदस्सिर साहब जो हैं वो तो कहीं बोल दो मुदस्सिर और फ़ोन पर मज़े की बात है मेरा होता है बनाई जा रही होती कभी नहीं ये मेरा एंगल अच्छा नहीं है हाँ ये वाला जो एंगल बहुत अच्छा है तो वो उसमें मैं कहता मुदस्सिर बस कर दूँ नहीं नहीं ये मैं गल नहीं मैं गल बिल्कुल नहीं 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 मुदस्सिर हमेशा आप मुझे कहते कि सैम सच बोला करो मैं सच ही बोल रही हूं अच्छा नहीं हाँ। यार इतना मैं ये चाहता हूं कि आपसे बताएं कि सेल्फी का किसको ज्यादा यार सेल्फी जो है ना सेल्फी जो मोबाइल में सेल्फी होनी चाहिए लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर दफा सेल्फी हर दफा सेल्फी हर दफा सेल्फी यहां तो सेल्फियां होती हैं अच्छा सेल्फी दी नाल नाल ही कॉल करने अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कैसी तबीयत है सर शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक अपना प्यारा सा नाम बताएं और अपने इलाके का नाम जरूर बताएं जी खलील रहमान सेवन शरीफ सिंध से वाह 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 सिंधी मानू जी जी सुठो बाबा सुठो सुठो बाबा आपका शो बहुत अच्छा है सर मुझे इतनी सराय की नहीं आती है पर मैं समझ बोल लेता हूँ बाबा मैं तो ये आखा के दाने पे दाना दण दा जी जी वो कह रहे अच्छा लाल अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपके प्रोग्राम में क्या चीज अच्छी लगती है हाँ। ये मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं और मलकू का मुझे गाना सुना दो भाई अच्छा और प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता ये केड़ी गल है यार प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है सर क्या और अच्छा आपकी बातें भी बहुत अच्छी है हाँ बातें बहुत अच्छी लगती बहुत अच्छी है आपके गाने भी बहुत अच्छे है और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है वाह 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 अच्छा मेरे भाई सिंध से क्योंकि कॉल किया तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सिंध का मौसम आजकल कैसा चल रहा है बहुत ज्यादा सर्दी है भाई नो कर बर्फ तो नहीं पैंदी बर्फ नहीं है बाकी सर्दी बहुत है आए, आए, आए। अच्छा और इसके अलावा आपको गाने भी सुनवाएंगे आज के प्रोग्राम में ठीक है और आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया और इतने दूर से आपने कॉल की है इतने दूर से आपने कॉल की है और कोई आपके किसी अपने यार दोस्त को कोई मैसेज कोई पैगाम देना चाहेंगे तो अगली दफ़ा आप हमें ज़रूर कॉल करें और सोच के कि जी मैंने आज अपने इस बिछड़े हुए दोस्त बचपन के दोस्त जो मेले में बिछड़ गया था उसको मैंने मैसेज किए देना है कि लाला कितना बदते हो कहाँ चले गए हो तो आप हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में कर सकते हैं ऐसे मैसेजेस ऐसे तो अच्छी गल है ना सैम बिछड़े हुए को मिलाना रूठे हुए को मनाना बिल्कुल किसी को पैगाम पहुंचाना बिल्कुल अच्छा अगर हमारे प्रोग्राम के तवसत से हो जाए हमारे प्रोग्राम के थ्रू हो जाए तो हमारा मकसद तो मुकम्मल हो गया पूरा हो गया पूरा हो गया मतलब मुकम्मल हो गया पूरा हो गया हाँ मुकम्मल पूरा अच्छा, जो भी था अब क्या करें अब करते हैं जी जब बात आती है परदेश की बिल्कुल कभी परदेश का आता है हाय मैडम
सॉरी सॉरी हाँ आई नो नहीं मतलब कि हमारी ये बेस्ट नहीं कहीं हुआ ऐसा घर से जब दूर होता है क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि जब आप 100 किलोमीटर भी अपने घर से दूर हैं तो आपका परदेश शुरू हो जाता है नहीं बल्कि घर से निकलते ही परदेश शुरू हो जाता है अगर आप एक दिन में आना जाना ना कर सके ना उसमें तो वैसे 100 किलोमीटर आना जाना होता है लेकिन मोस्टली करते नहीं है देखो परदेश मैं ये समझता हूँ कि परदेश एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे आपको अपने यार दोस्त बेली दोस्त कज़न नहीं मिलते जो बचपन के होते हैं आपको वहाँ पे दोस्त यार बेली मिलते हैं लेकिन वो वहाँ के होते हैं दूसरे इलाके के होते हैं तो जब एक बंदा अपने इलाके को छोड़ के दूसरे इलाके में रह रहा होता है किसी काम के सिलसिले में किसी भी वजह से तो उसको एक इंसान होने के नाते उसको अपनी पुरानी यादें जरूर आती हैं मेमोरीज होती हैं हर बंदे के साथ कि जी मेरा बचपन कैसा गुजरा है कहाँ पे गुजरा है तो मेरे फलां दोस्त था फलां दोस्त था फलां दोस्त था और वो दोस्त अपने शहर में ही होते हैं अपने इलाके में होते हैं जहाँ पे वो पैदा होते हैं आपने बचपन गुजारा था और खैर मेरा तो बचपन यहीं पे सारा गुजरा बड़ी भी नहीं तो परदेश लिखा ही नहीं परदेश होना चाहिए आई थिंक आपको फिर वो एहसास होता है आपको वो फीलिंग्स आती हैं अपने घर वालों की याद आती हैं और जिस तरह मुदस्सिर अभी आप बात कर रहे हैं कि वो आपके फ्रेंड्स आपके जो बहुत क्लोज रिलेटिव होते हैं जिनको आप नहीं भी पूछ रहे होते जिनको आप कहते हैं ओके कॉल पे मैसेज आ जाए आप रिप्लाई करना पसंद नहीं करते जब आप परदेश काट रहे होते हैं फिर आप सोचते हैं कि हाँ अच्छा। ये भी आ गया मैसेज परदेशों से तो जरूर गाल करें एक कॉल गिनते हैं उनके बाद ब्रेक चा गिनसु उनके बाद बात अमर शायद ये सुनना को जबरदस्त परदेशी वाला गांव सुन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर क्या हाल है सर बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है तो ठीक रियाज अलवेना पिया कोटे तो कितो लेंदे पे बे कोटा कोटे तो क्या बात है क्वेटा क्या बात है क्वेटा की और लाला मुझे ये बताएं सबसे पहले क्वेटे का मौसम कैसा है इस वक्त -4 -7 -10 -14 ते वेना ओए होए 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 वत गर्मी तो ना लगदी उस मतलब ठंड बहुत ज्यादा लगदी है सर्दी दा अपना मजा है गर्मी दा अपना मजा है वैसे लाल एक गल है सर्दियां दे विच गर्मी नहीं थींदी ना नहीं गर्मी भी कोटे दी मजा है ते सर्दी भी मजा है मजेदार है असल चीज है कि तुसा आपे मजेदार हो अगर रिक्वेस्ट है ना रिक्वेस्ट ना करे सो लाला ये तुम्हारा अपना प्रोग्राम है प्रोग्राम तो अच्छा है पर लेके नहीं दे पठाना खां ओए अल्लाह दी ते अंदूरे आला हाय 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 पठाने खां मंसूर मलंगी अल्लाह दीता लूने आला मलकू ई प्रोग्राम दी रौनक वधे सी बिल्कुल सही बिल्कुल थैंक यू सो मच बड़े अच्छी बात की बड़ा अच्छा पैगाम कि ऐ दोस्त जरा और करीब रगे जहाँ हो मेरा मतलब है कि ये एक बड़ी खूबसूरत गजल थी इनकी उस्ताद पठाने खान की उर्दू में तो इसके ऊपर बात करेंगे लेकिन ब्रेक पे चले जाते थे कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं मिलती एक छोटे से ब्रेक के बाद वाह वाह ये वाला जो है ना बैकग्राउंड हमारा म्यूजिक ढोले होंदे ने वो बड़े याद आंदे ने हां और ये कौन से ढोले की बात हो रही है ढोले की बात करें ढोला कहते हैं माही को हाँ और माही किसको कहते हैं माही का कहते हैं महबूब को महबूब को और महबूब कौन है ज्यादा महबूब सारे हैं सारे हैं ठीक है और मैं ये चाहूंगा सैम के ख्याल के साथ सब तू पहले आवण नाल ना इंतजार रह करवेंदे लाला तो आपको तो आपको जबरदस्त जिया सोना जिया गीत सुनवेंदे हैं जरा गुलशन जहां दी आवाज दे विच है परदेसी ढोला शल जीवे ढोला बहु दूरों आया शल जीवे ढोला परदेसी ढोला शल जीवे ढोला परदेसी ढोला शल जीवे ढोला बड़ी दूरों आया
सपना न थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी भोला चला जी में गोला बड़ी दूरों आया सपना न थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी भोला चला जी में गोला बस कर विधोला बस कर विधोला बस कर विधोला विते वो कमाया अपना न थकिया मैं नहीं जगाया परदेसी भोला जीवे डोला शायरी है इसे बिल्कुल अखे उमरा तू पहले चिट्टे वाल थी गेन तेरे विछोड़े साडा खून पी गेन ऐसा ही मतलब सिर के जो परदेश जो वहां पे तो हैं लेकिन जो यहाँ उनकी फैमिलीज हैं वो ज्यादा मिस कर रहे होते हैं जैसे वो हर उनके अगर हर वर्ड में गौर करें तो वो एक टेंशन एक परेशानी बिछोड़ा एक याद वो प्यार वो एहसास वो सारी फीलिंग्स बयान कर रही थी लेकिन एक शायर की एक एक वर्ड था हाँ। उसमें ना बड़ा मुझे बड़ी डेप्थ नजर आई तो मैं हाँ। शाला परदेस ना मन्ये वो क्योंकि खुद परदेसी था ना तो वो उसने एक लाइन लिखी कि शाला परदेस ना मन्ये मींस कि शाला सराइकी में कहते हैं कि अल्लाह करे परदेस ना जाओ किसी को परदेस का वो ना हो खैर ज़्यादातर सराइकी के जो लोग हैं या मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग रोज़गार के लिए अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं अपने मुल्क के अंदर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो जब वो छुट्टी पे घर जाते हैं तो फिर वो छुट्टी जितनी भी ज्यादा हो ना तो वो छुट्टी कम लगती है ऐसा ही है क्योंकि आप इतनी ट्रैवलिंग और आपने प्यारों से इतने टाइम दूर रहते हैं मुदस्सिर और जैसे आपको वक्त मिलता है कि वो
लाइक वन मंथ का भी ऑफ मिला है आपको, तो वो आपको यूँ लग रहा था जिससे दस दस दिन का आपको ऑफ मिला, क्योंकि आपके चाहने वाले इतने ज़्यादा दस दिन का आप खुदा तक नहीं, मतलब आपको वन मंथ का लग रहा होता तो आपको फील इस तरह के दस दिन गुजर गए एक मंथ में। ये वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई, अपना नाम बताएं और अपने इलाके का नाम जरूर जल्दी से मेंशन कीजिएगा। मेरा नाम कारी मोहम्मद रियाज जनाब, पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूं मुदस्सर साहब। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में कहेंगे वेलकम जी आई नू पखैर अगले सौ बिस्मिल्ला जी। कारी साहब क्या कहना चाहेंगे जी? कारी साहब सर बिल्कुल ठीक ठाक, प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले भी लाला प्रोग्राम दे बारे के आँखों भाई टेलीविजन का वॉल्यूम आप बंद कर दे, हमने आपसे बात करनी है यार। एक काम ना कीता करो, ऐसा काम बिल्कुल ना करें, जब भी आप कॉल करें अपने टेलीविजन का वॉल्यूम घुट दिया करें, बंद कर दिया करें, ताकि आपकी बात हम समझ सकें, हमारी बात आप समझ सकें और सुन सकें अच्छे से आप क्या कहना चाहते हैं। और जाहिर है शो में इतनी मुश्किल से कॉल मिलते, मतलब से कभी हुआ? एक लाइन याद आ गई है कौन सी? ऐ दोस्त जरा और करीबे रगे जा हो, क्या जाने कहां तक शब हिजरा का धुआं हो। जी जरा जूम करते ना, देखा यूं करके जैसे बात कर रहे था लाइन में जितनी डेप्थ है सैम, और मुदस्सर जिस तरह बयान कर रहे थे ना इस तरह। अच्छा उसमें एक लाइन और भी है ना, क्या? मैं उसको तेरे नाम से ताबीर करूंगा, मैं उसको तेरे नाम से ताबीर करूंगा, वो फूल ही क्या जिसे कुर्बत शबनम भी करा हो। ओर, मैं एक जमाने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं एक जमाने से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम एक जमाने से खुदा जाने कहाँ हो। ऐ दोस्त जरा और करीबे रगे जा हो, क्या जाने कहाँ तक शब हिजरा का धुआं हो। वाह ब्यूटीफुल, सीरियसली ब्यूटीफुल, सबको डेडिकेट कर देते हैं, क्या जबरदस्त, मोस्ट फेवरेट उन सबके। अच्छा ये मेरे जहन में ऐसे आ जाती है ना कोई चीजें ना, तो मैं चाहता हूँ कि उस कभी लिखा भी है पर्सनली मुदस्सर सेम, जैसे आप कहते हैं कि जब भी आप सफर पे जा रहे हो तब अकेले सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आप जाते जाते कहीं अचानक से आमद शुरू होगी और आप फौरन लिखना शुरू हो गए, कभी ऐसा हुआ? लिखना कुछ इतना ज्यादा मैंने किया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लिखा है और याद है। याद करने से तो फिर आ जाएंगी, क्योंकि अभी जो चीजें मुझे याद आ जाती है मैं प्रोग्राम में शेयर कर देता हूँ। आप कोशिश करेंगे कि कुछ जो खुद लिखी हैं चीजें, खुद लिखी हैं वो भी कुछ देखेंगे कि आपको सुनाएंगे, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और प्रोग्राम दा वेला जड़ा है वो ये है मुक, बिल्कुल ये ख्याल है, ख्याल क्या, बस जाहिर आने के लिए हमें जाना तो पड़ेगा, मतलब से तो हम जाएंगे तो हम अगेन वापस आएंगे। अच्छा जाते जाते सैम कोई अच्छी सी बात अगर तुम्हारे माइंड में आ रही है और आप बात करना चाहें तो आप जल्दी से करें, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने बात करनी है, उसके बाद हम। अच्छा आप करते फिर मैं कर दूंगी भाई, मैं एक ही पैगाम दूंगा, एक ही पैगाम दूंगा कि जिंदगी में अगर कुछ करना है, कुछ करने की शौक रखते हैं तो लगन से करें, आप इंटरेस्ट अपना लूज ना करें, और जो प्लान किया उस तक उसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर दें, दिन रात एक कर दें, और इस बात का ख्याल बिल्कुल ना करें कि एक ही आक्सी एक ही आक्सी एक ही आक्सी एक ही आक्सी, तब जाके आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। और सोचोगे कामयाबी का तो कामयाबी मिलेगी, अगर आपके जहन में इफ एंड बट्स आ गए यानी कि डाउट्स आ गए कि यार शायद नाकामी हो जाएगी, फिर आपको कामयाबी भी शायद मिल जाए, लेकिन अगर आप इन चीजों को निकाल लेंगे, सिर्फ कामयाबी का सोचेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी, यही मेरा पैगाम है। बड़ा अच्छा मैसेज है, और यही बात कहूंगी कि मुदस्सर खैर सारी ही बातें कर दी कि लोग क्या कहेंगे सोचना छोड़ दें, जो आपका मन चाहता है वो काम करें, बट अपने घर वालों से पूछ कर, लोगों को छोड़ दें बट अपनी फैमिली को मत छोड़ें, अपने मुखलिस लोगों से, मुखलिस लोगों से जरूर वो बात शेयर कर लें, लोगों को तो काम है कहना बट अपनी फैमिली को साथ लेकर चले। चलें जी, अब so हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए सॉन्ग्स थोड़े से ज्यादा ऐड करेंगे और इसमें मजीद अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। और अगले बुध को फिर आपसे होगा हमारी हमारा रابطہ और मुलाकात। अब जाएं और ये गाना है ना ये बस जरूर सुने, बिल्कुल मजा आएगा। अल्लाह दे वाले, अल्ला